तो बड़े लंबे अरसे के बाद आए हैं एक बार फिर से फ्लिक द न्यूज लेके, क्योंकि काफी सारी न्यूज इकट्ठा हो चुकी हैं और काफी सारी से ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग इकट्ठा हो चुकी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉन 3 के साथ में। अगर आप लोग इसके लिए एक्साइटेड थे तो अपना एक्साइटमेंट कम कर लीजिए, वैसे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लुक होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो डॉन 3 और ज्यादा डिले हो चुकी है क्योंकि रणवीर सिंह तो तैयार थे लेकिन इसके डायरेक्टर फरहान अख्तर नहीं। बेसिकली इसकी शूटिंग 2024 के Q2, Q3 से स्टार्ट होने वाली थी, जो काफी लंबे टाइम तक चलती क्योंकि इस मूवी को ये लोग ओवरसीज भी शूट करते, बिकॉज डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस जो पकड़ने की कोशिश कर रही है। डॉन बदल गया लेकिन पुलिस और डायलॉग्स अभी भी वही है। बट या इस मूवी में काफी लंबा स्केड्यूलिंग प्रोसेस था, तो इसको शूट करना काफी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी था। तो इसी वजह से रणवीर सिंह ने अपनी डेट्स वगैरह अलॉट कर दी थी और ऐसा बोला जा रहा था कि इसके बाद वो शक्तिमान पे काम करना स्टार्ट करेंगे। बट नाउ वी आर हियरिंग कि फरहान अख्तर ने अपने प्लान्स को थोड़ा सा और चेंज किया है और डॉन 3 को थोड़ा डिले कर दिया है, बिकॉज फरहान अख्तर ने अपनी अगली मूवी साइन कर दी है रजनीश घई, जो धाकड़ सीरीज आई थी उसके डायरेक्टर के साथ में, जिसको एक्सेल एंटरटेनमेंट ही प्रोड्यूस करेगा, और इसके बाद वो डॉन को डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसको अब पुश कर दिया गया है December 2024 में। शूटिंग की बात कर रहा हूं, रिलीज डेट तो अभी, फिर रिलीज डेट भी आगे बढ़ेगी आप ये सोच के चल लो। और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है शक्तिमान, क्योंकि अगर रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान हैं, उन्होंने ये साफ बोल दिया था कि वो रणवीर सिंह को एज शक्तिमान नहीं देखते। इनफैक्ट वो किसी भी ऐसे एक्टर को एज शक्तिमान नहीं देखना चाहते जिसको पब्लिक एज शक्तिमान नहीं देख सकती इन रियल लाइफ एज वेल। मतलब आप कुल मिला के बस ऐसे समझ लो कि वो एक्टर ऐसा होना चाहिए कि अगर पब्लिक में भी निकल जाए और किसी को बोल दे कि ठहरो ये क्या कर रहे हो, तो लोगों को पलट के बोलना चाहिए सॉरी शक्तिमान। This is the kind of actor that he wants to portray शक्तिमान। तो इस हिसाब से रणवीर सिंह तो आउट ऑफ द पिक्चर है, लेकिन बॉबी देओल इज टोटली इन। मैं बात कर रहा हूँ स्पाई यूनिवर्स की। जी हाँ, YRF के स्पाई यूनिवर्स में बॉबी देओल को ले लिया गया है एंड ही इज रेडी टू प्ले अ विलन। और अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग विलन्स को लेकर एक्साइटेड होते हैं, और स्पेशली तब जब लॉर्ड बॉबी उनको प्ले कर रहे हों। लेकिन ये पठान, कबीर और टाइगर के विलन नहीं होने वाले, ये विलन होंगे आलिया भट्ट और शबरी की जो मूवी आ रही है उसके। ये एक फीमेल लेड स्पाई मूवी है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, YRF के स्पाई यूनिवर्स पे सेट है। दोनों ही एक्ट्रेसेस फीमेल स्पाई का रोल प्ले करेंगी और इनके अगेंस्ट होंगे लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर, विच एक्चुअली साउंड्स प्रीटी फैसिनेटिंग। लेकिन इसको और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाने के लिए रिपोर्ट्स ऐसी सर्कुलेट करी जा रही है कि इनका जो कैरेक्टर होगा ये काफी स्वैग से भरा होगा और ये पूरा का पूरा रोल एक्चुअली लॉर्ड बॉबी के लिए ही लिखा गया है, एंड ही इज गोइंग टू बी प्रिटी स्टाइलिश इन द मूवी। आई डोंट वांट टू सी अ स्टाइलिश विलन, आई वांट टू सी एन इंपैक्टफुल विलन जो कि थोड़े लंबे टाइम तक स्पाई यूनिवर्स में टिका रहे और उसके रिपरकशंस हमें आगे भी पिक्चरों में देखने को मिले, जो अभी तक किसी भी पिक्चर में देखने को नहीं मिले फ्रैंकली स्पीकिंग। स्पीकिंग ऑफ रिपरकशंस, तो लोकेश कनगराज की अगली मूवी जो है वो LCU का पार्ट नहीं होगी, अगर आप नहीं जानते। इसमें रजनीकांत होंगे, इसको थलाइवर 171 कहा जा रहा है। उसका जो फर्स्ट लुक है और उसका जो टाइटल रिवील है वो 22 अप्रैल को किया जाएगा। इसको लोकेश कनगराज ने रिसेंटली रिवील किया है एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। देखते हैं कैसे किया जाता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर इसके बाद नो एंट्री 2 के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें पूरी तरह से एक नई कास्ट होगी, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दलजीत दोसांझ, और अब एक नई चीज और भी सुनने में आ रही है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 10। अभी रिसेंटली इस बात को रिवील किया गया कि मूवी पे काम अभी शुरू हुआ नहीं है, मतलब कास्टिंग वगैरह फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा प्लान है कि ये लोग 10 एक्ट्रेसेस को कास्ट करेंगे इसके लिए। इनफैक्ट जो एक्टर्स हैं, तीनों एक्टर्स, वो अपने अपने डबल रोल्स को प्ले करेंगे ताकि मूवी में और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो, एंड मोर कंफ्यूजन लीड्स टू मोर कॉमेडी आई गेस। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। बोनी कपूर ने मिस्टर इंडिया 2 को लेकर भी अपडेट दी है। उन्हें कहा कि वो अभी इमीडिएटली मिस्टर इंडिया 2 पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबली इन द कमिंग ईयर्स हमें मिस्टर इंडिया 2 के बारे में सुनने को कुछ कुछ मिले। ऑल्दो उसके जो पुराने कास्ट वाले थे वो अब नहीं रहे, बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू वर्क ऑन मिस्टर इंडिया 2, बिकॉज अगर आप उसको 2024 में सही तरीके से बनाते हो तो इट कैन ओपन अप पैंडोरास बॉक्स, जो कि लिमिटलेस पोटेंशियल को कैरी करता है, और फिर उसके बाद कई सारी इस जॉनर में और भी मूवीज फॉलो कर सकती हैं। बट इट हैज टू बी डन इन द राइट वे। फिर इसके बाद अगर आप भाईजान की बुल के लिए वेट कर रहे थे तो करना भी चाहिए, क्योंकि मूवी का मुहूर्त वगैरह हो चुका था और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग सो गुड, बिकॉज भाईजान ने शायद मूवी को एग्जिट ही कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। बिकॉज उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले तो चेंज हो चुकी है, जो हम लोगों ने पहले बात करी थी कि अब वो AR मुर्गदास की मूवी कर रहे हैं, जो एक मास मसाला टाइप की थ्रिलर मूवी होगी और एक्शन से भरपूर भी। तो फिलहाल के लिए थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर हिम, जैसा सुनने मिल रहा है। लेकिन क्या उन्होंने बुल को बिल्कुल कंप्लीटली अपने दिमाग से और अपनी लाइफ से निकाल दिया है, इस बात को लेकर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ,
ये जरूर पता चल चुका है कि बुल को डिले कर दिया गया है। अब वो कब शूट होगी, कब रिलीज होगी, भाईजान उसमें एक्ट करेंगे या नहीं, इस बात को लेकर फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिर इसके बाद पुष्पा 2 का भी कुछ सुनने को मिल रहा है, एंड अगर मूवी को 15 अगस्त के आसपास रिलीज होना है तो इट डज काइंड ऑफ मेक सेंस कि इसका कुछ टीजर टाइप का लॉन्च कर दें, बिकॉज मूवी को कुछ महीने बाकी हैं तो थोड़ी सी आग लगानी जरूरी है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, अब लोगों ने सुना था कि YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है उसमें पठान हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन वो टाइगर वर्सेस पठान में नहीं होगा, वो पठान 2 में होगा, क्योंकि टाइगर वर्सेस पठान को थोड़ा डिले कर दिया गया है ताकि पठान 2 उसके पहले रिलीज हो पाए और वो टाइगर वर्सेस पठान का एक थोड़ा सा बेस बना पाए, एंड थिंग्स आर काइंड ऑफ लुकिंग अप। और अगर आप पठान 2 को अपने दिमाग में इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही नाम आता है कि सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज आदित्य चोपड़ा हैज डिसाइडेड अगेंस्ट इट, क्योंकि वो पठान 2 के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। वो कौन होगा अभी तक इस बात पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर अभी तक आप स्पाई यूनिवर्स की दूसरी मूवीज को देखोगे तो ये ट्रेंड बनाया है, उन्होंने टाइगर के फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट था उसको डिफरेंट डायरेक्टर से शूट करवाया, वॉर 1 के बाद वॉर 2 भी डिफरेंट डायरेक्टर शूट कर रहे हैं, एंड पठान भी इन्हीं सेम फुटस्टेप्स में फॉलो करती हुई नजर आएगी। लेकिन सिद्धार्थ आनंद के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइगर वर्सेस पठान को जितना अभी तक सुनने में आया है तो सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पठान 2 अभी दूर दूर तक बहुत दूर है। 2025 में शायद इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी, 2026 के आसपास हमें कभी देखने को मिल सकती है, बट उससे पहले SRK किंग पे काम कर रहे हैं जो सुजय घोष डायरेक्ट करेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा जी, जो प्रभास के साथ मिलकर स्पिरिट बनाएंगे, और उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया है कि वो काम करेंगे एनिमल पार्क पे, विच इज गोइंग टू हैपन इन 2026 और मूवी को रिलीज किया जाएगा 2027 के आसपास। लेकिन उसके पहले रणबीर कपूर के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि रामायण के साथ वो काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं, जो एक ट्रिलॉजी होगी, 3 में शूट करी जाएगी। नीतीश तिवारी ने हालांकि इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो मल्टीपल न्यूज इंटरव्यूज में आकर के इसके ऊपर बात कर चुके हैं, तो मूवी ऑलमोस्ट रेडी टू गो है। इसके लिए रणबीर कपूर ने ऑलरेडी प्रेप वर्क चालू भी कर दिया है, क्योंकि कुछ फोटोज रिसेंटली रिलीज करी गई थी जिसमें वो आर्चरी स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, विच एक्चुअली साउंड्स प्रीटी प्रॉमिसिंग। वैसे तो उनको रियल लाइफ में आर्चरी नहीं करनी है, लेकिन अगर उनके पोजेस सही होंगे, बो को होल्ड करने का स्टाइल सही होगा, तो इट लुक्स गुड ऑन द स्क्रीन। और उसके भी ऊपर से उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन भी दिखाता है कि वो श्रीराम को कितनी अच्छी तरह से प्ले करना चाहते हैं, एंड दैट इज प्रीटी प्रॉमिसिंग मेरे हिसाब से तो। और बहुत सारे लोगों का ऐसा बीच में बोलना भी पड़ रहा था कि रामायण जो उसको 2024 में डिले कर दिया गया है, क्योंकि अपेरेंटली ये लोग अभी उतने VFX पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और भी बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे थे, बट आई डोंट थिंक कि मूवी को डिले किया जा रहा है, क्योंकि इसके सारी की सारी चीजें ऑन ट्रैक नजर आ रही है फिलहाल तो। इनफैक्ट ये न्यूज भी निकल के आ रही है कि इसकी शूटिंग बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है, विद ह्यूज सेट्स बिल्डअप, जो कि गुरुकुल का सेट होगा, जहां पर हम श्रीराम और लक्ष्मण के छोटे बच्चे वाले वर्जन को देखेंगे, जो कि गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ से अपनी पूरी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करेंगे, और इस मूवी में गुरु वशिष्ठ का रोल प्ले करते हुए शिशिर शर्मा जो है वो नजर आएंगे। तो 2 अप्रैल से ये सारी की सारी शूट स्टार्ट हो जाएगी, एंड 17 अप्रैल को हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा, प्रोबेबली रामनवमी के दिन, ऐसा अभी तक सुनने को आ रहा है। ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीजें तब कंफर्म करी जाएंगी जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, और मूवी की जो रिलीज डेट टारगेटेड है वो 2025 की दिवाली है, विच आई थिंक गिव्स देम प्रॉपर टाइम टू वर्क ऑन पोस्ट प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। और अगर आप सोच रहे हो कि यश का रावण और सनी देओल के हनुमान जी कब अपने रोल्स को प्ले करेंगे, तो उनका स्केड्यूल ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी के लेटर हाफ में होगा, प्रोबेबली जुलाई के आसपास, बिकॉज ये मूवी एक ट्रिलॉजी है, तो इस मूवी में उन दोनों के बहुत ज्यादा रोल्स नहीं होने वाले। तो ये थी इस हफ्ते की सारी फ्लिक द न्यूज जो मैंने आपके सामने खोल के पटक दी है, बस आप मुझे बताना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल था। और अगर आप लोगों ने मेरे बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर ब्रेकडाउन रिव्यू नहीं देखा तो वो यहां पे फ्लैश हो रहा है, प्लीज गो चेक इट आउट। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो गणपत भले OTT पे रिलीज ना हुई हो, आपके मोबाइल पे रिलीज करवा के 4 बार दिखाऊंगा, सोच लेना।